पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज सुबह वॉशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, और स्वागत भी ऐसा कि जिसे देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। बारिश की हल्की हल्की फुहारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान वॉशिंगटन के एयरपोर्ट पर उतरा। वहां उनके स्वागत के लिए अमेरिका के शीर्ष नेताओं के अलावा भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधु भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार पहले से ही हो रहा था। इसी क्रम में ज्वाइंट बेस एंड्रयूज के बाहर भारत का तिरंगा हाथों में लिए लोगों की भीड़ हल्की बारिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। कुल मिलाकर गर्म जोशी से उनका स्वागत किया गया। हर कोई पीएम मोदी को एक बार छू लेने की कोशिश में था। और यही तो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, कि सिर्फ भारतीय ही नहीं विदेशी भी उनकी एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद उन सब का शुक्रिया अदा किया, और साथ ही ट्विटर पर तस्वीरें भी साझा की जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पीएम मोदी से मिलने का क्रेज इन लोगों के बीच कितना था। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर कर बताया कि लंबी दूरी की फ्लाइट में वो कैसे समय बिताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सफर के दौरान एक ट्वीट भी किया। ट्वीट की गई तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइलों को हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। फाइलों के साथ साथ पीएम के हाथ में एक पेन भी है। प्रधानमंत्री ने इस तस्वीर के साथ में एक कैप्शन भी लिखा, जब आपकी फ्लाइट लंबी दूरी की हो तो आप उस समय का इस्तेमाल अपने कागजी काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। पीएम मोदी की ये फोटो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुनने के बाद ये पहली बार है जब बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। अपने 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होनी है। पीएम मोदी को क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अफगानिस्तान में हाल ही में घटे घटनाक्रम, कोरोना संकट, वैक्सीनेशन समेत तमाम मसलों पर भारत की भूमिका काफी अहम है। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान हो रही तमाम बैठकों पर दुनिया की नजर है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है और दुश्मन देश परेशान है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।